ભાવે ને. લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થા અન્ય વ્યવસ્થાઓ જનતા કી આવાજ શાસન તક કેસે પહોંચે, ये आवाज नहीं तो जानकारी कैसे तक, कैसे शासन तक पहुंचे. लोकतंत्र में दो साधन है, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, संवैधानिक संस्था है, विधानसभा लोकसभा और अब स्थानीय शासन को भी संविधान में स्थान दिया गया है, पंचायत और नगर पालिका नगर निगम को, इनके चुने हुए प्रतिनिधि को बात पहुंचा. और दूसरा साधन है संचार माध्यम. संचार माध्यम भी अब दो भागों में विभक्त हो गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक प्रिंट. संचार माध्यम की एक और विशेषता है, जनप्रतिनिधि जनता की आवाज पहुंचाते ही, किंतु जनप्रतिनिधियों तक भी जनता की आवाज संचार माध्यम पहुंचाते हैं. तो एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव भी है पब्लिक. और इसलिए आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है जो हम कई बार चर्चा भी करते हैं. पहले जो बातें संसद और असेंबलीज में उठती थी वो पेपर में आती थी, अब जो पेपर में उठती है वो विधानसभा और लोकसभा में आती है. ये रिवर्स डायरेक्शन कैसे हुआ, ये आपके प्रयत्नों से, आपकी मेहनत से, जनता से आपके सतत जुड़ाव से हुआ. श्रमजीवी पत्रकार संघ, श्रमजीवी वर्किंग जर्नलिस्ट, देखिए हिंदी पूछी थी अभी मैं, इधर हमारे भाई शर्मा जी भी थे, तो एक कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने वो एक बात बोली कि जो इवोल्यूशन हो रहा है लैंग्वेज का, सब चीजों का विकास होता है समय के साथ, तो भाषा का भी विकास होता ही है, हम भी जानते हैं. तो उन्होंने कहा था कि एक धीरे धीरे करके विश्व भाषा बनेगी जो विभिन्न भाषाओं से शामिल होगी, और ये हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं. हमारी चर्चाओं में उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है. धीरे धीरे करके अन्य भाषा भी आते हैं, और सचमुच तो इसलिए वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में आया, भाषण हिंदी में दे रहा हूँ, नाम अंग्रेजी में है. तो मैंने पूछा आते आते, मैंने कहा इसका हिंदी अर्थ बताओ, जर्नलिस्ट यूनियन का तो मालूम है पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का नहीं मालूम है, उनका श्रमजीवी पत्रकार संघ. हालांकि मुझे थोड़ी आपत्ति है, पत्रकारिता दिमाग से होती है और श्रमजीवी शारीरिक श्रम करता है, पर इससे ये बात जाहिर होती है कि आप मैदान में जाके और पत्रकारिता करते हैं, इसलिए शायद श्रमजीवी नाम पड़ा हो. श्रमजीवी पत्रकार का एक कानून भी है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी, इसलिए मैंने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था. तो मैं ये कह रहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, कोई सरकार लोकतांत्रिक है कि नहीं, उसका बैरोमीटर क्या है, उसकी कैसे परीक्षा होगी. तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है, एक तो असेंबली और पार्लियामेंट चल रही है, कि वो पत्रकारों को कितनी सुविधा देती है, क्योंकि पत्रकार सामान्यतः सरकार के खिलाफ ही लिखते हैं, चार एक बार खिलाफ में लिखते हैं तब एक आध बार पक्ष में लिखते हैं, 4:1 का रेशो रहता है, 80-20. और अपने खिलाफ में लिखने वाले को यदि शासन सहायता कर रहा है तो वो लोकतंत्र में पूरा भरोसा करता है,
ये उसका गौरव भूषण मैं मानता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये बात से अपनी बात समाप्त करूंगा। यद्यपि वो लागू नहीं होती आज तक, और लागू हो तो हम लोगों पर ही हो, हम दो बैठे हैं। उन्होंने कहा था, लिखना मत कर्मकारों से कर लिखना मत, बहुत बड़ा खतरा, ये भी लिख देते हो। टीम ने कहा था कि लिखना मत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र देश में तब आएगा जब सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति अपनी ही पार्टी के कमजोर कामों को या गलत कामों को आगे लाएगा। ये लोहिया का बैरोमीटर था। मैंने उसको थोड़ा सा डिबेट हुआ हूँ, उस बैरोमीटर को पत्रकारों तक लाया। जो पत्रकारों को सुविधा देगा वो भी लोकतंत्र पे विश्वास करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज इस कार्यकारिणी की बैठक के उपलक्ष्य में बाहर से भी मित्र आए होंगे, उन सब मित्रों का हमारे भोपाल शहर में स्वागत है। और झा साहब कहाँ के हैं? बिहार के, लिखना है नाम से मंडला के झा साहब, क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी है तो उसका भी हमारे नगर में उस टाइम तो भोपाल रहते ही, उनका स्वागत है। आपने यहाँ बुलाया, देर से आने के बाद स्वागत किया, उतने ही प्रेम और स्नेह से बोलने का अवसर दिया, इसलिए।